तनीषा शर्मा की माँ और मामा ने बताई शिजान खान और उनकी फैमिली से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें। शिजान और उनकी फैमिली को बताया दोषी। पहले जी बोलिए जी। सबसे पहले मैं तनीषा के सारे फैंस और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनकी मम्मी की तरफ से, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया और आप सभी लोग साथ दे रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब तक तनीषा को इंसाफ ना मिल जाए ये साथ ऐसे ही बना रहे। शिजान से पूछा कि ये क्या है, शिजान ने तनीषा के थप्पड़ मारा सेट पे, रूम में थप्पड़ मारा तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। उसके उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई बच्चे मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको OCD की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान को। जब तेरा किसी मैंने फिर मेरे को तनीषा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को इंट्रोस किया गया है, मम्मा शिजान से शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शिजान से बात की, मैं कहा शिजान ये क्या है कि तुमने तनीषा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं करना था, कर सकता जो करना करो, ये बहुत गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हुआ, मैं अकेली रह गई हूँ, ठीक है। बस उससे ज़्यादा बाकी बहुत आप लोगों ने कॉपरेट किया, जैसे अब कर रहे हो आप, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप मेरे साथ कॉपरेट करते रहो। और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तनीषा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब उसका किसी और लड़की के साथ था, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मैं कुछ एक तरह की आपने आरोप लगाया था कि मैं ड्रग्स जो है शिजान लिया करता था, क्या जानकारी थी आपके पास, किसने आपको जानकारी दी कि शिजान ड्रग्स लेता था? तनीषा ने बताया। क्या बताया था? मम्मा शिजान नशा वशा करता है, उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी फलकनाथ और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे, रिलेशन कैसे थे आपके साथ? देखो मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन तनीषा का आना जाना बहुत बढ़ गया था, तो उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी, वो घर पे आ, उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25,000 की गिफ्ट दे रही है तनीषा उनको, ये सब चल रहा था। मैम अपने ड्रग केस हुआ धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई उस दिन तनीषा का बिहेवियर कैसा था सुबह से, क्या बातें था? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती है ओके मम्मा, तो मैं उस दिन थोड़ा सोचते एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पर, मैं सेट पर उसको मिलने गई, अचानक गई थी, मैं कहती बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर, वो कहते मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला, मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई,
कुछ नहीं कर सकता, जो करना है करता। ये कब की बात है? शुक्रवार की। हाँ, ये एक दिन पहले मैं सेट पे गई और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई तनीषा को। तनीषा थोड़ी सी परेशान थी तो मैं तो बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कैसी माँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन जब आ रहा है कुछ, हाँ हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी वो है उसने की है कि मम्मा मेरा दो दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत सीपी ये जो उससे मेरे को बात करने दे, तो बेटा चले जाओ ठीक है, मैं करवा देती हूँ। कहते हाँ मम्मा मेरे को दो दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा। मैं कहते ठीक है बच्चे। ऐसे ही अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंड थी, मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमेशा दो दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, दो दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, सेट पे जाया होगी। मैं अभी सोच ही रही थी तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया यूपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम तनीषा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता क्या नहीं कर रही, पर हम हॉस्पिटल में। बस ये बात हुई है और मैं ऑटो लेके। आप इस पूरे मामले में कहीं कोई साजिश संदेह देख रहे हैं, शक कर रही हैं कि जानबूझ के उसे फंसाया गया या उसके साथ कुछ गलत है? मेरी बात मेरे को ये कहना, शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप सा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें जो करना कर, बच्चे को वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, बोली थी, छोटी उम्र थी उसकी, उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तनीषा के साथ रिलेशन क्यों डेवलप की? मेरे को ये जवाब चाहिए, शिजान शिजान दे जवाब ये मेरे को, क्यों डेवलप किया? जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तो समझाता तो मेरे से बात कर। आंटी वो ब्रेन स्ट्रॉम करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे क्या? वो यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर पे? बिल्कुल, और उसकी गाड़ी ख़राब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को वो उन्होंने तनीषा को बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी उसको अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया जो तनीषा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही, ईयरपोर्ट्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब करती है बहुत ज़्यादा, मम्मा अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात की, मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, वो काम पर जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है तो उसको काम कर रही है। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीज़ें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी। क्या क्या कहा जाता था उसके बारे में? कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें पुलिसों ने जो लिखा था वो कहा था कि शिजान जो है धन्य है कि उसको मेरे जैसा फोर स्टार मिला काम करने के लिए, ये बातें कही थी उसमें लिखी थी, उसके बाद वो खुदकुशी की, तो आप क्या मानती, वो क्या कहना चाहिए? उसके क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतने सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ को जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है, फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई 15 मिनट तक। तो कहीं आप लोग को लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, कुछ और भी है? हाँ मर्डर भी हो सकता है। एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था, तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? आंटी आप सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज़ जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी सेट से, किसी ने भी आपको इस बारे में इत्तला नहीं किया या फिर पुलिसा ने कुछ बताया? मेरे पुलिस हमारी बात फलकनाथ से भी हुई, फलक का ये था कि फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके,
उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तनिषा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मैं को मेरा बच्चा था वो, अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में आने के लिए? हमारा सवाल है, वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था तनिषा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। अच्छा आंटी, मुझे ये पता चला कि जिस तरह से बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार तनिषा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी और आप थे नहीं, आप नहीं बाहर गए थे घूमने, और ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तनिषा के साथ तो मेरी जान ही थी, मेरा एक बच्चा है, बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज, मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया था कभी भी, क्योंकि वो चीज़ मुझ से पहले निकालती थी, मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं उसके साथ गलत इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया, पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की, वो मेरे को भी पता है बहुत डेडिकेटेड से वो काम करी। फलकनाथ दरगाह लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं पता, एक दो बार बताया किस कौन सी दरगाह जाती थी? नहीं नहीं, एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी, उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे तनिषा से, तनिषा ने पत्नी कहाँ से पेमेंट की, और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं, तुम इतना ज़्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व हो तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तुझो कर कर उस दो तीन महीने में आपके घर पे मेरे पे हाँ वो दो तीन महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफ़ी दूर धीरे धीरे हो गई थी, और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज़ जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती जा रही, वैसे करती जा रही। अच्छा, दूर होने की वजह ये भी बोल रहे हैं कि उनके स्टेप फादर हैं कोई, और उनकी वजह से आपसे और उनके बीच में अनबन होती थी, और जिसका जिक्र उन्होंने शिजान से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिजान जो है उसकी वजह से यह हादसा हुआ है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आप उनके परिवार को भी इसी से जोड़ रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि उसके पीछे परिवार भी जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी माँ जिम्मेदार है, जो 24 घंटे उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का, जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तो मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर, अगर तनिषा से कोई गलती हुई तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी, वो मेरे से बात करे कि हाँ जी तनिषा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे को लालच नहीं किसी चीज़ का था। आंटी, आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी, जैसे आप टैटू की बात कर रहे हो, लव अब एवरीथिंग लिखवा रही है, और वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था, क्योंकि ब्रेकअप करना फिर दूसरी लड़की से बात करना, लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खा रहा है आपसे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने दो तीन बार ही कहा है तूने जो करना है कर, वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी, वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है,
अगर मुझे, मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज़ अपने घर पे क्यों लेके जाऊँ और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं, शिजान की मम्मी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी, तुनिशा से क्या बात, फ़ोन पे उनकी जो बात होती थी मेरे को उनके बारे में क्या बात होती थी, तो यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी शिजान से, शिजान की गर्लफ्रेंड थी जिसके चैट तुनिशा ने पढ़ी है जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तुनिशा ने बताया था चैट में क्या था? नहीं आंटी, क्या इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है इसके पहले भी एंग्जाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंग्जाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंग्जाइटी थी या कोई वो कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती, उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं। उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है तो इतने इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। जी, आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर इतनी खुश थी, आपके बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया है। प्लान किया हुआ है, मैंने सरप्राइज़ पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि तुनिशा की सरप्राइज़ पार्टी रखूँ और उसको सरप्राइज़ ही दूँगा, उसमें इसको भी इन्वाइट करना था। उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है, वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पर करूँगी, मैं कहती बेटा मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूँगी जहाँ भी करना है, और को एक्ट्रेस को बुलाऊँगी, 20-25 जनों की गैदरिंग करूँगी बस, और तेरा जो भी मैंने को दूँगी जस्ट एक्सेप्ट, ओके मम्मा आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी अ लॉट। उस इंटरव्यू में वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ और है, क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है। मैम जिस तरह से आपने कहा, क्यों आता है, क्या क्या कारण है, क्यों मेरे मन में आता है, क्योंकि तुनिशा मैं बताऊँ सुसाइड करने वाली नहीं थी। मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ, वो उस क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शिजान ने ही उसको उतारा है, शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सज़ा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है, बस आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। शिजान से जब तुनिशा ने सलमान वाली बात बताई थी रिलेशनशिप में है, उस वक्त आपने कोई ऑब्जेक्शन लिया था या फिर आपने समर्थन किया था? शिजान और तुनिशा जब संबंध में आए, मेरा जब उसने मेरे को बताया कि मामा मेरे को शिजान अच्छा लगता है तो मामा मैं शादी भी करूँगी, तो मैंने तुनिशा को बोला, मैंने कहा बेटा अभी अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो, ठीक है, अभी इस चीज़ के लिए 3-6 साल पड़े हैं तेरे, तब जब होगा, जब टाइम होगा तब देखेंगे। मैंने उसको सिर्फ ये जवाब दिया, तो कहते अच्छा वो बात इस चीज़ को मान गई। मैम तुनिशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर बहुत सारे रिप्लाई थे, इसके साथ मत है, लेकिन तेरा हाथ श्रद्धा की तरह कर देगा, क्या उस तुनिशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर जब वो शिजान के साथ फोटो डालती थी तो बहुत सारे नीचे रिप्लाई थे इसके साथ मत रहे, तेरा हाल भी श्रद्धा की तरह हो जाएगा जो श्रद्धा के साथ हुआ, तो क्या उस तरह की कोई बातचीत आप लोगों की कभी हुई? मेरी शिजान ने यही बताया पुलिस को, शिजान ने ये बताया कि चूँकि अफ्ताब वाला मैटर हो गया तो मैं डर गया था इसलिए ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप तुनिशा ने उसको थप्पड़ मारा, तुम्हें जो करना कर, चैट पढ़ ली, तुनिशा ने पूछा कि ये क्या है, तो उसके पास जवाब ही नहीं था। आंटी आखिरी जो इंटरव्यू है उसमें बहुत खुश दिखाई दी, बर्थडे की बात करी और उसके अगले दिन जब लास्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट सब लोग हैं लेकिन चेहरे पे मायूसी दिखाई दे रही है, उन 15 मिनट में ऐसा क्या बात हुआ होगा? दूसरा, आपको लगता है कि पुलिस आपको पूरी तरीके से मदद कर रही है क्या, हर एंगल से वो कर रही है? मदद सब कर रहे हैं, मीडिया मेरे साथ है, सब कर रहे हैं, लेकिन वो 15-20 वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो 15-20 मिनट में ऐसी क्या बात हो गई? तुनिशा सुसाइड नहीं कर सकती, तुनिशा सुसाइड नहीं करने वाली थी। माता जी आपको लगता है कि परिवार वालों को भी इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए, परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए? इनका झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती थी। उसने जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसके थप्पड़ मारा है, वो ही वो कहती मम्मी मेरे को यूज़ किया गया, मेरे को धोखा हुआ है। वैसे परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम जानना ये था कि एक लास्ट सवाल ये था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीच में आ रहे हैं कि उनका रिचुअल्स जो हुआ था वो उनके स्टेप फादर ने किया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये बहुत सारी बातें जो है वो सामने, जो तुनिशा का रिचुअल्स हुआ मामा ने किया है, उनके मामा ने, क्योंकि लोग ऐसा काफ़ी सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे उनके स्टेप फादर थे जिन्होंने ये किया है। सोशल मीडिया पर तो ये भी बात उठी थी कि शी इज़ प्रेगनेंट, अब वो जो कि नहीं थी, ऐसे तो बहुत कुछ होता है। उसके मामा ने किया, चंडीगढ़ में है मामा, वो चले गए हैं, उन्होंने रिचुअल्स किया था।
कभी ऐसा नहीं हुआ था ना कि आपके और उनके बीच में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से तनिषा आपसे बात करना कम कर दी थी? क्योंकि ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो सुन लिया कुछ तनिषा बहुत अच्छी। देखो मदर डॉटर में कभी नाराजगी भी है, कभी कुछ है, तो ऐसा। थैंक यू सो मच आंटी, और हम लोग आपकी मदद करते हैं। कोई जाएगा नहीं संदीप, मैंने पहले बात हुई है, कोई जाएगा कोई अपनी जगह पर सब लोग नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई जाएगा नहीं, जान दो फिर मेरी बात हो। चल चल ये मान लो सर, बैठो नीचे, बैठो नीचे, बैठो साइड साइड की। अरे मैडम आ गई है पीछे, इसी कंडीशन पे आई हो बैठ जा भाई, बैठना भाई, हमारा चलता सब दूसरे का भी चोल खराब है ना, एक तो आगे जाके बैठ जाएगा।